डियर स्टूडेंट्स, आज के लैब में हम सिंपल लेवलिंग करेंगे। तो सर्वे बेसिक सर्वेइंग लैब में लेवलिंग के टॉपिक में पहला एक्सपेरिमेंट है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग में जैसा आपको बताया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो एक बार देख लीजिए। लेवलिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, डंपी लेवल या ऑटो लेवल की ज़रूरत होती है, ट्राईपॉड की ज़रूरत होती है, प्लम्ब ऑफ सेंटरिंग के लिए प्लम्ब ऑफ की ज़रूरत होती है। जब आप इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद आपको जब फील्ड पे जाएंगे तो आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करना है। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स में फिक्सिंग एंड सेंटरिंग, यानी कि डंपी लेवल को ट्राईपॉड पे फिक्स करना और जो पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, उस पर प्लम्ब ऑफ की मदद से सेंटर पॉइंट के ठीक ऊपर वो लगाना है एडजस्ट करके। सेकेंड लेवलिंग, यानी कि लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना 3 फुट स्क्रूज की मदद से, जैसा आपको अभी बताया जाएगा। 3 फुट स्क्रूज की मदद से लेवलिंग करना है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, मतलब आप टेलीस्कोप के सामने यानी कि डंपी लेवल के सामने वाइट स्क्रीन रखिए, आईपीस को घुमाइए यहाँ तक के डायफ्राम में जो क्रॉस हेयर्स हैं वो नज़र आ जाएं। फिर स्क्रीन हटाने के बाद फोकसिंग स्क्रू से आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिए ताकि वो सही से नज़र आ जाए। तो ये आप काम कर लेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स 3 स्टेप करेंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवलिंग के लिए तैयार रह जाएगा ताकि आप लेवलिंग कर सकें। अब यहाँ आ जाते हैं कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है सिंपल लेवलिंग, वो उसमें क्या करना है। उसमें स्टेशन ओ पर इंस्ट्रूमेंट लगाइए। इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद टेम्पररी एडजस्टमेंट्स कीजिए, जैसा कि आपको अभी बताया गया, फिक्सिंग एंड सेंटरिंग, लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। 3 काम यहाँ पर करिए, इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाएगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन सीधी हो जाएगी, LOC मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ताकि आप रीडिंग्स ले सकें। तो आप कोई भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर को आप बेंचमार्क मानिए, उस बेंचमार्क पर आप लेवलिंग स्टाफ रखिए। लेवलिंग स्टाफ रखने के बाद उसकी रीडिंग जब आप नोट करेंगे डंपी लेवल से, तो वो उसको उस रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। उसके बाद जिस पॉइंट का अगर आप लेवलिंग मालूम करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ रखना है और वहाँ की रीडिंग मालूम करना है, उस रीडिंग को बोलते हैं FS रीडिंग। तो आपको 2 रीडिंग मालूम करना है सिंपल लेवलिंग में, एक बैक साइड रीडिंग लेना है, एक फोर साइड रीडिंग लेना है। ये 2 रीडिंग लेने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। RL ऑफ बेंचमार्क जो हम 100 एज्यूम करे हैं प्लस बैक साइड रीडिंग, यानी कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक आ जाएंगे। उसके बाद RL ऑफ पॉइंट A कैसा आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS, FS को माइनस कर देंगे। तो देखिए आप RL ऑफ एनी पॉइंट या पॉइंट A इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS। तो ये 2 फार्मूलेज की मदद से आप क्या करना है, ये कैलकुलेशन करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है, उसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल या ऑटो लेवल को लेकर जाना है, ट्राईपॉड पे लगाना है, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करना है जिसमें लेवलिंग, जिसमें फिक्सिंग अप एंड सेंटरिंग है, लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 फुट स्क्रूज। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, ये हो जाने के बाद आप लेवलिंग स्टाफ पर रीडिंग नोट करना है, बेंचमार्क पे एक रीडिंग नोट करना है जिसको बैक साइड बोलेंगे, फोर साइड रीडिंग जो जिस पॉइंट का आपको RL मालूम करना है वहाँ का मालूम करेंगे, फार्मूले की मदद से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे देखते हैं कि प्रैक्टिकली फील्ड पर यह काम कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आज के एक्सपेरिमेंट में जो लाइव यहाँ पे चल रहा है, इसमें हम जो है लेवलिंग करेंगे सिंपल लेवलिंग। तो सिंपल लेवलिंग करने के लिए हमारे पास डंपी लेवल है, डंपी लेवल जैसा आप देख सकते हैं, उसके बाद स्टैंड है, ट्राईपॉड, फिर लेवलिंग स्टाफ है, लेवलिंग स्टाफ भी, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ, डंपी लेवल और स्टैंड। अब यहाँ पर डंपी लेवल में आप देखिए, ये IPS है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये फोकसिंग करने के लिए, फोकसिंग यानी कि एडजस्ट करने के लिए, और ये IPS को एडजस्ट करने के लिए। तो ये इस्तेमाल करने से करना है हमको, इसके लिए फिर आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आप यहाँ पे 4 स्क्रूज हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट को लेवल किया जाए, और ट्राई बैच है, उसके बाद ये स्टैंड है जिस पर ये लगता है, और ये ट्राईपॉड है। तो हमेशा याद रखिए, ट्राईपॉड के ये 2 पैर के ऐसा जो इस तरफ आप ना रहें, यानी कि लेग्स को आप डिस्टर्ब ना करें, इस तरीके से आप रहें। और यहाँ पर अगर आप ये लेवलिंग स्टाफ को देखें, तो लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग्स हैं, ठीक है,
यहाँ पे इस तरफ जो रीडिंग नज़र आ रही है ये 0000111111, फिर ये खुलता है 222333, ऐसा खुलता है ये। तो उसके बाद 5 मीटर का, 5 मीटर तक आप इसको देख सकते हैं। सर ये तो 1.5 मीटर हो गया यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे आप गौर किए करिए कि यहाँ पे लाइंस हैं, ये जो इस तरफ जो रीडिंग है वो मीटर्स में है, इधर जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर्स में है। मतलब ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो रीडिंग है ये यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ से वन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे यहाँ तक 1 मीटर है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाए तो 1.1 मीटर है, 1.2 मीटर है, 1.3 मीटर है। उसके बाद 1.3 के बाद कितना है, अब आप 5 mm ऐड कर लिए, 5 mm, 5 यानी कि वाइट वाला 5 mm, ब्लैक वाला 5 mm, फिर वाइट वाला 5 mm, ब्लैक वाला 5 mm, यानी कि वाइट और ब्लैक मिला के 10 mm, यानी कि कितने है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 mm कितना, 1 सेंटीमीटर ना। यस सर। तो ये फॉर एग्जांपल 1.3 ब्लैक पे है तो क्या बोलेंगे हम सर, 1.10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर। नहीं भाई ये देखिए, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1.3 तो यहाँ पे हो गया, फिर ये उसके ऊपर और 1 सेंटीमीटर, 1.31, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझ में आ गया। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, मतलब इधर भी रीडिंग नोट करने के लिए चांस है हमको मीटर्स में, इधर सेंटीमीटर्स में लिखना है, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो आपको लिखने का है। तो इसको खोलने के वक्त और बंद करने के वक्त एहतियात करना है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ लॉक सिस्टम है, ये लॉक में आए तक आप अगर कहीं से नज़र नहीं आ रहा तो उसको आप खोलना है। ये यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से। सर तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ लगाना पड़ता होगा सर पीछे। तो और आगे आगे खोलने के से ये भी है, तो ये फिलहाल आप पकड़ लीजिए। अब क्या करना है, अब इंस्ट्रूमेंट की तरफ हम आएंगे, तो यहाँ पे इसको पहले लेवल करना है। क्या करना है, यहाँ करीब से आप बताइए, यहाँ पे देखिए आप, ये जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में आना, क्या आना, सेंटर में, सेंटर में आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई 2 फुट स्क्रूज के पैरेलल रखेंगे टेलीस्कोप को, और इसको इनवर्ड और आउटवर्ड घुमाएंगे। उससे पहले आप इधर नीचे लाइए, ये फुट स्क्रूज को हम आधा आधा रखेंगे, यानी कि तकरीबन इसको इसके जो थ्रेड्स हैं वो आधे आधे रखेंगे। यहाँ से अगर आप देखें, ये भी आधा, ये भी आधा, यानी कि हम जब घुमाएंगे तो हमको सहूलत हो सके। तो इसको ऐसे घुमाएंगे कि बबल सेंटर में आ जाए, कहाँ आ जाए, सेंटर। आप यहाँ बताइए, इधर बबल पे बताइए, बबल पे बताइए। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप गौर करिए तो सेंटर में आ रहा है ना, आ रहा है, कैसा आ रहा है, इधर मेरे हाथ की तरफ बताइए। देखिए आप, मैं इनवर्ड घुमा रहा हूँ, आउटवर्ड घुमा रहा हूँ, इनवर्ड घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये टेलीस्कोप के पैरेलल, टेलीस्कोप के पैरेलल इनवर्ड और आउटवर्ड घुमा रहा हूँ तो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फुट को अभी हम यूज़ नहीं करें ना, सेंटर में आ गया, हम इस तरफ उसको घुमा देंगे, फिर इसको सेंटर में है, कहाँ है उन्हें, पीछे पीछे आ रहा है ना सेंटर में, ये सर आ रहा है। बबल बताइए, बबल दिखाइए, बात समझ में आई आपको, यस सर। ये क्या घुमाने से आया, यहाँ बताइए, इधर ये फुट स्क्रू घुमाने से आया है, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरफ दोबारा कर देंगे हम, इस तरफ दोबारा कर देंगे ताकि चेक करने हैं, फिर सेंटर में है नहीं है। एक बार देखिए आप ऊपर बबल, वो देखिए आप, थोड़ा सेंटर में है, थोड़ा हम इसको घुमाएंगे इनवर्ड और आउटवर्ड, देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से इधर घुमाना है, देखिए आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोग
समझ सकते हैं आप, ये टेलीस्कोप को किसी दो फूड स्क्रूज के पैरेलल रख रहे हैं, टेलीस्कोप को फूड स्क्रूज से पैरेलल रख रहे हैं और दोनों फूड स्क्रूज को एक साथ अंदर की तरफ घुमा रहे हैं या फिर बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, यहाँ तक के बबल सेंटर में आ जाए। फिर ये तीसरा फूड स्क्रू है उसको उसके तरफ एक बार टेलीस्कोप को घुमा रहे हैं, फिर ये जो एक ही फूड स्क्रू को आप या तो क्लॉकवाइज घुमा रहे घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये प्रोसेस उस वक्त तक करना है जब दोनों तरफ बबल सेंटर में रहना। प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना। कब तक करना जी सर? तो मतलब तीन, मतलब ये तीन है, तीनों के मतलब पैरेलल में करना है ना सर? नहीं, एक साथ करना है। अभी एक साथ रिकॉर्डिंग में देख लो आप, मैं समझा चुका हूँ है ना सेंटर में। देखो जो जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, ये टेलीस्कोप है, ये दो फूड स्क्रूज हैं इसके पैरेलल रखा, ये दोनों फूड स्क्रूज को अंदर की तरफ घुमाया, बाहर की तरफ घुमाया, फिर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर लाया, मतलब टेलीस्कोप को इसके परपेंडिकुलर रखा, ये जो एक फूड स्क्रू इसको इधर इस तरफ इधर तरफ घुमाया ताकि बबल सेंटर में आ जाए। ये प्रोसेस रिपीट करना है यहाँ तक के दोनों डायरेक्शन में और बबल सेंटर में रहना है। जैसा कि यहाँ जो है देख सकते हैं कि बबल क्या है, सेंटर में है। अब हम एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये हम एक बेंचमार्क रखे हैं, ये इंस्पेक्शन चैम्बर जो है हमारा बेंचमार्क है, तो यहाँ पे हम जो इसके ऊपर रीडिंग नोट करेंगे वहाँ से। तो ये अभी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर एडजस्टमेंट, जैसा अभी हम लेवलिंग कर रहे थे, टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पर लगाना है और सेंटरिंग करना है ये प्लम्ब जो है उसकी मदद से। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है, सेकंड स्टेप। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स मतलब एक वाइट स्क्रीन पकड़ कर हम आईपीस से देखेंगे। आईपीस से देखिए आप, आईपीस को घुमाइए, इसको इसको घुमाइए, इसको ये पकड़ो बेट, ये कैसा है, आईपीस को घुमाएंगे, थोड़ा आईपीस बतलाइए हमको, वो हाथ से घुमाइए आप, यहाँ पे ऐसे आईपीस यहाँ पकड़िए आप, आईपीस घुमाइए और वाइट पेपर को देखिए, आपको थ्रेड्स नज़र आते हैं, क्या नज़र आते हैं, डायफ्राम में थ्रेड्स नज़र आएंगे ब्लैक कलर के। जी सर। नज़र आए जी सर। जब नज़र यानी क्लियर नज़र आ गए तो इसको छोड़ दीजिए, क्लियर आ गया सर, आ रहा सर, क्लियर दिखना। ये वाइट स्क्रीन के सामने जो थ्रेड्स हैं यानी कि जो डायफ्राम में जो लकीरें बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो बनी हुई हैं, वो क्या है, क्लियर नज़र, डार्क नज़र आना सर, आ गया आ गया डार्क आ गया। अब वाइट स्क्रीन हटा दीजिए। अब एक मिनट, अब आप ये फोकसिंग स्क्रू से कोई भी एक चीज़ को देखिए आगे, वो जो फोकस वो जो जो भी चीज़ देख रहे हैं वो क्लियर नज़र आना। तो इस तरीके से हम जो है आपके एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स करेंगे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले क्या करना है, तीन चीज़ें करना है, इंस्ट्रूमेंट को ट्राईपॉड पे लगाना है और जहाँ पे स्टेशन है उस स्टेशन पे लगाएंगे प्लम्ब बॉब की मदद से, दूसरी चीज़ इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है जो अभी हम कर चुके हैं, तीसरी चीज़ एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स का मतलब हम यहाँ वाइट स्क्रीन पकड़ेंगे और आईपीस को घुमाएंगे, कब तक घुमाएंगे, यहाँ तक के जो क्रॉस हेयर्स हैं क्रॉस हेयर्स क्लियर डार्क नज़र आ जाए, उसके बाद वाइट स्क्रीन को हटा देंगे और फोकसिंग स्क्रू को यहाँ तक घुमाएंगे कि जो भी इमेज है वो इमेज सही से नज़र आ जाए। अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं, जो आज का एक्सपेरिमेंट है, जो हम बेंचमार्क पर रीडिंग लेंगे फिर कोई एक स्टेशन पर रीडिंग लेंगे। बस यहाँ पे देखिए आप, इसको लेवलिंग स्टाफ में एक बार हम रीडिंग नोट करने से पहले इसको नोट कर लेना है। जैसा मैं आपको बताया हूँ कि इधर मीटर्स में है, इधर सेंटीमीटर्स में, हर 10-10 सेंटीमीटर पर है, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से ये पूरी रीडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक स्टूडेंट बताइए कि ये इसका मतलब क्या है, 1 मीटर है ना, अब ये 1 मीटर है, इसका मतलब क्या है, 1.1 मीटर, यानी कि कितना सेंटीमीटर है ये, 10, 1 मीटर के ऊपर 10 सेंटीमीटर। अब वो कैसा मालूम होगा आपको, 5 mm, 5 mm, 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर,
तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। अब हम टेलीस्कोप से क्या देखना है, जो डंपी लेवल से इस इंस्ट्रूमेंट को, लेवलिंग स्टाफ को देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग आई, तो हम क्या रीडिंग नोट करेंगे, तो यहाँ पे जब क्रॉस हेयर आएगा, तो यहाँ क्रॉस हेयर आने के बाद आपको ये वन दिखेगा, ये वन भी दिखेगा, तो 1.1 तो पक्का हो जाएगा। तो कितना आगे भी देखेंगे हम देखेंगे कि हम वाइट पर हैं या ब्लैक पर हैं। हमारी जो लाइन है डायफ्राम की, वो वाइट पर है या ब्लैक पर है, ये देखना है। अगर ब्लैक पर है तो आप क्या करना है, कितने ब्लैक ऊपर है, एक और दो, दो ऊपर है ना, तो वन क्या करेंगे, 1.12, क्योंकि ये एक ब्लैक एक सेंटीमीटर, और एक ब्लैक दूसरा सेंटीमीटर, और एक ब्लैक तीसरा। आप अगर वाइट पे है तो क्या करना है, ये वन, ये 5 mm, एक स्ट्रिप कितने की है, 5 mm, तो 0.005 भी ऐड कर देना उसमें, 1.11 में, तो 1.115 होता है। बात समझ में आई? एक और रीडिंग ले लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर फॉर एग्जांपल ये रीडिंग, ये रीडिंग मैं ले रहा हूँ, ये वाली रीडिंग। अब आप बताइए, ये 0.9 है ना, ये वाला 9 है, तो उसे नीचे है, तो 0.8 से शुरू होगा, तो 0.8 के बाद 0.81, 82, 83, 84, 85, 86, ये 865, 0.865 अगर वाइट पे है तो, ब्लैक पे है तो 86, ये वाइट से ऊपर और एक ब्लैक पे है तो 0.87, तो रीडिंग लेना समझ में आ गया। अब जैसा आप यहाँ पे पेन रख के रीडिंग ले रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ये वाली रीडिंग हम डंपी लेवल से देख कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉस हेयर्स कहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, वो रीडिंग आपको नोट करना है। अब हम ये जो फोर साइड रीडिंग ले रहे हैं बेंचमार्क पर, बेंचमार्क पे फोर साइड रीडिंग ले रहे हैं, तो कितना रीडिंग आएगा हम देख। अभी हम रीडिंग लिए हैं बैक साइड रीडिंग, वो 0.65 आई है टेलीस्कोप में से। अब हम यहाँ पे स्टेशन ए पर रीडिंग लिए हैं, जो के कितना आया, 1.43 रीडिंग आई, ठीक है। चलो आ जाओ, देखिए आप अभी रीडिंग हम नोट करे हैं, बैक साइड रीडिंग बेंचमार्क पर नोट करे हैं, वो 0.0, बैक साइड रीडिंग 0.650 और ये पूरा मीटर्स में रहता है, और फोर साइड रीडिंग 1.430। तो हम फार्मूले के हिसाब से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, आर एल ऑफ बेंचमार्क 100 प्लस बैक साइड रीडिंग क्या है, 0.650, तो 100 0.650 ये क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। आर एल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ